आपका फिर से स्वागत है दीप रंजन पे। मैं हूँ दीप रंजन और मैं आपको आज करवाने वाला हूँ सुपर सेंसेस का पार्ट 5। आज का जो शॉर्ट आउट है वो है वाजवीर टीवी को। कॉन्ग्रेचुलेशन वाजवीर फॉर योर शॉर्ट आउट। अगर आपको भी शॉर्ट आउट चाहिए तो मैंने बहुत सारे वीडियो में कुछ स्टेप्स डाल रखे हैं, वो स्टेप्स मैं अभी बता देता हूँ आपको क्या करना है। आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, सब्सक्राइब करके नीचे लिख देना है सब्सक्राइब योर चैनल। एंड शॉर्ट आउट कोई नहीं मांगेगा मेरे से, कोई अच्छा सा कमेंट लिखना है जैसे कि वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन और ऐसे ऐसे कुछ भी लिख सकते हो आप। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, ज़रूरत नहीं है, अगर आपको नहीं लग रही है मैं ज़बरदस्ती नहीं करवाना चाहता हूँ, पर अगर आपको लगती है तभी डालना। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने सुपर सेंसेस के पार्ट 5 में। हमने किया था यहाँ से, डू एनिमल कैन सी कलर, क्या एनिमल भी कलर्स देख सकते हैं? एनिमल कैन नॉट सी एज मैनी कलर्स एज वी कैन सी। हाउ थिंग्स ग्रीन दे विल सीन बाय सम एनिमल्स। कुछ एनिमल्स से कैसी कैसी चीजें दिखती है वो अब आपको ये दिखने को मिल रही है। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको दिख सके। ये देखिए, ये ह्यूमन बीइंग को मिलती है देखने को, और ये बर्ड, ये है बर्ड और ये है डॉग। डॉग को कैसा दिखता है? ग्रीन और वाइट। और ये जो क्यूट सा छोटा सा रैट होता है वाइट वाइट कलर का, उसकी जिंदगी ही खराब होती है बेचारे को, ब्लैक और वाइट के अलावा कुछ और नहीं दिखता है। तो आप भी बताओ कि आपकी आईज कैसी है विजन कमेंट सेक्शन में, और ये भी बताओ कि आपको कितना अच्छा दिखता है। वैसे मेरी विजन थोड़ी खराब है इसलिए मैं स्पेक्स लगाता हूँ, मैं स्पेक्स लगाता हूँ क्योंकि मेरी विजन बहुत ही अच्छी नहीं है, और मैं अगर स्पेक्स ना लगाऊँ तो मेरे को कुछ दिखता नहीं है, समझे? तो आप बताओ आप स्पेक्स लगाते हो या नहीं लगाते हो, बिन स्पेक्स के आपको क्या सभी कलर्स दिखते हैं? तो चलिए हम बढ़ते हैं। अब आप मेरे को क्वेश्चन दे रहा, आपको क्वेश्चन देता हूँ उसी का आंसर मैं भी बताऊंगा। ये जो आप ये डॉग देख रहे हो, ये बर्ड, अब इनकी अगर आंखों को खराब हो जाए तो ये तो स्पेक्स को वेयर नहीं कर सकते ना, ये तो स्पेक्स नहीं है, तो इनको क्या करना चाहिए? मतलब आप बता सकते हो क्या करना चाहिए? तो ये अब मतलब जब इनकी वो जाती है तो ये दुखी दुखी से रहने लग जाते हैं, पर आजकल डॉग्स के लिए स्पेक्स आ गए जो उनकी आंखों में एक वाइट कलर का तिनका सा लगा देते हैं, तो उनको भी अच्छे कलर से दिखने लग जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इट बिलीव दैट एनिमल दैट अवेक इन द डे टाइम कैन सी सम कलर्स, दोज एनिमल दे आर वेक एट नाइट कैन सी थिंग्स ओनली इन ब्लैक एंड वाइट। जो एनिमल डे टाइम में वेक करते हैं वो बहुत सारे कलर्स देख सकते हैं, जैसे ये दोज एनिमल जो रात को देखते हैं और उनको ब्लैक और वाइट दिखता है। तो आपके घर में छिपटियाँ तो होंगी, एक दो तो होंगी, कभी ना कभी तो आपने देखा ही होगा। मेरे को बहुत तंग करती है छिपकली, छिपकली नहीं, इंग्लिश में पता है उसको क्या कहते हैं? लिजार्ड, लिजार्ड गाइस, लिजार्ड। और ये देखिए कि ईगल जो है इसकी विजन बहुत ही तेज होती है। यहाँ पे है ना ईगल, ये देखिए कहाँ तक देख रही है इस आदमी के खाने को। और ये ब्लैक और व्हाइट देखते हैं और ये चल भी सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। In class 4, you have read that we cannot see easily, bird ears are small holes covered with feathers. यानी class 4 में आपने पढ़ा होगा, आप मैंने भी पढ़ा था जब मैं class 4 में था, ऐसे कुछ एक chapter था, नाम नहीं याद है, बहुत पहले पढ़ा था मैंने, पहला chapter होता शायद, पहला या दूसरा था ऐसे ही, उसमें दिखाया था कि birds की जो ears होती है वो हमें दिखने को नहीं मिलती, सिर्फ जो एनिमल्स की जो ईयर्स होती है वही दिखने को मिलती है। राइट कर,
कि 10 एनिमल के नाम लिखिए जिनकी ईयर ऐसी दिखती है, जिनकी ईयर्स दिख सकती हैं, और सम एनिमल्स हूज ईयर्स आर देन बिगर देन आवर ईयर्स। तो मैं अभी आपको लिख के दिखा देती हूँ। आपको दिख रहा है या फिर और भी बड़ा करूँ? बड़ा करूँ अभी, अब लिख के दिखा देता हूँ एक बार। किन किन की एनिमल्स जिनकी ईयर्स हम देख सकते हैं, बताओ कौन कौन है वो? वो हुआ एलिफेंट, जिराफ, और क्या हो सकता है बताओ? यस, द थर्ड वन इज राइनोसोरस, जिसको राइनो भी कहते हैं। और क्या हो सकता है? यस, हिप्पो, क्यूट हिप्पो। और क्या हो सकता है? कैट, डॉग, काउ, बफेलो, और सोचो सोचो। हाँ, और हो सकता है शीप, और सोचो बच्चों, और हो सकता है जो लास्ट हमारा वो हो सकता है शायद से, बता दो ना उसका नाम, वेट कर रही हो ना? तो उसका जो नाम है वो है बैर। बैर की तो हम ईयर्स देख सकते हैं बच्चों, उसको बियर नहीं बैर कहते हैं, बैर। और अब हम करते हैं जिनकी ईयर्स हम नहीं देख सकते। क्या ऐसा है 10 एनिमल्स हमने कर दिए जिनकी ईयर्स देख सकते हैं, 10 एनिमल वो जिनकी ईयर्स हम नहीं देख सकते, और 10 वो जिनकी ईयर बड़ी होती है हमारे ईयर से। तो मैं अभी बता देता हूँ आपको वो कौन कौन है। वो हो जाएंगे जैसे कि देखिए यहाँ पे जो एलिफेंट है उसकी भी ईयर बड़ी होती है हमसे, तो मैं पहला जो पॉइंट है वो एलिफेंट को दूंगा। दूसरा जो है वो है हिप्पो, हिप्पो और राइनो की जो है वो हमसे बड़ी होती है। साथ में बफेलो की भी हमसे बड़ी होती है, दिखने में सेम लगते हैं पर उनके बड़े होते हैं। और बैर, और जिराफ, और पता करिए काउ, और शीप, शीप की शायद हमसे छोटी होती है, क्या आपको पता है? मेरे हिसाब से तो बड़ी होती होंगी हमसे,
आप पता कर दी। लास्ट है ये बच्चों, रायनो, रायनो की भी तो पड़ी होती है, रायनो या फिर हम लिख सकते हैं लायन। अब मेरे पास समय नहीं बचा इसलिए मैं और भी लिख देता हूँ। लंग, और क्या हो सकता है? मंग की और लंगूर तो एक ही परिवार के होते हैं। तो अब यहाँ पे एंड हुआ क्वेश्चन सीरीज। अब चलते हैं हम फिर से अपने पीडीएफ की ओर। इस डियर इंक्यूबेट में क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो एनिमल की ईयर के साइज में हैं? सोचना है आपको तो मेरे हिसाब से, जहाँ तक अभी तक मैंने पढ़ा है, उनके हिसाब से एलिफेंट जो है वो हमसे दुगना सुनता है। अगर आप जैसे अभी आवाज आई ना आपको शीशी की, अगर यही आवाज मैं उसके कान के बहुत ही दूर से बोलूं तो उसको ऐसी आवाज आएगी। कैसे? अगर हम जैसे बोलेंगे और उसको कैसी आएगी? और इसके लिए आप ट्राई दिस। फॉर दिस एक्टिविटी फाइंड अ क्वाइट प्लेस इन योर स्कूल टू स्टैंड देयर एंड डू समथिंग सॉफ्टली। द रेस्ट ऑफ यू शुड लिसन केयरफुली। देन ऑल ऑफ यू पुट योर हैंड बिहाइंड योर एंड एज शोन द पिक्चर। लेट द सेम चाइल्ड से द समथिंग अगेन एज सॉफ्टली एज इट वाज। जैसे उसने पहले कहा था उससे ज़्यादा सॉफ्टली मतलब धीरे से बोलना है। क्या आपको आवाज जैसे सुनाई दी? तो एलिफेंट के ईयर जो होती है वो ऐसे होती है, इसलिए उसको तेज आवाज सुनाई देती है, समझे? इसलिए हमें भी आवाज सुनाई दी। अभी मेरी मॉम मेरे पास बैठी हुई है, उन्होंने कुछ बोला तो आपको सुनाई नहीं दिया होगा क्योंकि मैं सिर्फ उसी 1% का लगा के बैठा हूँ। और मैं ये सब रिकॉर्ड अपने आई मैक से करता हूँ एंड मेरी मॉम इसमें मदद करती है। थैंक्स मॉम टू हेल्प मी एंड थैंक्स माई डैड टू अपलोड माई वीडियो। और आपको उसको भी कुछ कहना है? आपको उसकी आवाज़ सुनाई थी, आपको भी उसको कहना है, उसको भी आपको कहना है, समझे? अब आगे बढ़ते हैं। सिट नियर डेस्क, टैप द डेस्क। तो मेरे पास डेस्क है, डेस्क में मेरा है कंप्यूटर और मैं माउस को साइड में कर देता हूँ, वाई माउस को। देन मैं अब अपना ईयर रखूँगा ध्यान से और थोड़ा सा ठक मारना है मेरे को, आराम से मार लीजिएगा। ऐसे देखिए आवाज़ आ रही है ना ठक ठक की, ऐसी आवाज आपको आराम से करना है। क्या वो आवाज वाइब्रेट विब्रेट हुई? तो करके देखो। अभी मैंने ना 5 बार ट्रम्पेट की तरह उसको पिट किया तो यानी कि इससे कुछ नास्टी लैंग्वेज आ गई और बहुत ही अच्छी सुनने में लग रही थी। साउंड्स एंड मैसेजेस। अब आजकल मैसेजेस के कौन कौन से जमाने आ गए हैं? आ गया है फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, इससे आप इस्तेमाल कर सकते हो और फोन का मैसेज। पर जहाँ पे फॉरेस्ट लाइविंग पे मैसेज भेजने के लिए ना ही व्हाट्सएप है ना ही वो है, तो वो कैसे मैसेज भेज दोगे? अपने साउंड से। तो चलिए अब हम करते हैं। हाय फॉरेस्ट जी, अ लंगूर। आप लंगूर को देख सकते हैं, लंगूर का मुंह ब्लैक होता है। लाइक अ टाइगर और ल्यू पॉट The langur does this by making a special warning call, but also gives alarm to the danger and some birds even have different sounds for different kind of dangers. For example, there is a different warning call if the animal is coming from the sky or if the animal is on the ground. When any animals give the warning call, all the animals in that area was understand the dangerous signal. Some animals start behaving in an earthquake or storm.
about to come, people who live in forests can observe some behavior of animals came to know of danger. यानी कि जो लोग उस पे बैठे होते हैं पेड़ पे, अगर वो नीचे से ल्यूप कोट आ रहा है और टाइगर, वो तो चढ़ सकता है, पर अगर वो उसको आवाज दे अपनी साथियों को और साथी आके उसकी मदद करे तो क्या होगा, लंगूर तो बच जाएगा। और बर्ड्स की अब बात कर लेते हैं। बर्ड जो है वो वार्निंग कॉल देती है पूरे एनिमल्स को, ऐसी वार्निंग कॉल जिससे सभी एनिमल्स देख सकते हैं कि कोई ग्राउंड पे एनिमी होता है तो अलग होती है उनकी, कोई स्काई से एनिमी आता है तो उनकी अलग होती है, बहुत सारी तरह तरह की अलग अलग एनिमीज आते हैं उनके, वैसे होते हैं उनके रिलेशन। और कुछ कुछ जो एनिमल है वो अर्थ पर या फिर स्टॉर्म आने पे कुछ अलग ही बिहेव करने लगते हैं। जैसे कि क्या होता है, आजकल अर्थक्वेक आ रहा है तो हम सबको पता नहीं चल रहा है, पर आजकल डेली अर्थक्वेक आ रहा है, डेली आ रहा है। कल ही आया था 1:10 PM पे, फिर परसों भी आ रहा था, हर दिन आ रहा है आजकल। आज शायद 13 तारीख है और ये वीडियो 13 तारीख को अपलोड होने वाली है अगर वाईफाई ठीक रहा तो। अब दिसंबर 2004 की बात है। ये few tribes that live in forest of the Andaman island notice the animal behaving in a different manner. They cause some danger, so they move away a safer part of the island. Soon after, the island was hit by a tsunami, but these people were saved. मतलब जब एक बार 2004 की बात है दिसंबर की, एनिमल कुछ और बिहेव करने लगे थे, आदमियों को पता चल गया कि कुछ गलत होने वाला हमारे साथ, तो वो आइलैंड के सेफर पार्ट में चले गए। वहीं कुछ 10 मिनट के बाद वहां पे एक सुनामी आई और उन पीपल को हर्ट नहीं हुआ उससे, क्योंकि हिट नहीं हुए पीपल उससे, क्योंकि वो सेफ थे, एक सेफ प्लेस पे थे। एनसीईआरटी गुरु है सबसे अच्छी पीडीएफ, जिससे मैं अभी पीडीएफ निकालता हूँ, इससे आप कोई भी पीडीएफ ले सकते हैं किसी भी क्लास की। ये क्लास 12 के लिए अवेलेबल है, तो जाके www.ncrt.guru.com पे जाकर के आप बुक्स देखिए, बहुत अच्छी बुक्स मिलेगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैंने आपको इतना अच्छा पीडीएफ वाला बताया है। अब हम आगे बढ़ेंगे, तो लाइक बटन भी दबा दो, शेयर बटन दबा के अभी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। अब हम करेंगे अगले वीडियो में डॉल्फिन्स आल्सो मेक द डिफरेंट साउंड्स ऑन अर्थ। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। घर पर रहे, सुरक्षित रहे। बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। बाय बाय।